आप देख सकते हैं पानी की स्पीड कितनी तेजी से पानी आ रहा है। ये बंद के ऊपर चढ़ाया है पानी बिल्कुल, जो दरियाए सिंध की बंद है उसके ऊपर तक पानी आ चुका है। बाकी थोड़ी सी रह गई है, अल्लाह रहम करे। पानी आप देखें कितनी स्पीड से आ रहा है, ये देखें। बहुत ख़तरा है भाई, अल्लाह रहम करे, दुआ करो बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खलील अहमद, आप देख रहे हैं YouTube चैनल सराय की गल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दरियाए सिंध दिखाने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कितनी पानी आ रहा है दरियाए सिंध में। और ये देख सकते हैं लोगों के घर में पानी घुस चुका है सैलाब का। पूरे घर पानी के अंदर डूब चुके हैं। इतनी तेजी से पानी जा रहा है। ये दरियाए सिंध है, पानी की स्पीड देखें। इस वक्त दरियाए सिंध में पानी बहुत आ चुका है, तो प्लीज़ नहाने से एहतियात करें, नहाने कोई भी ना आए। अच्छा वीवर, मैं अभी पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, कोटरी का एक पुल है वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और जो पानी है पुल के करीब से गुज़र रहा है, बिल्कुल जो छत है रोड की उसके करीब से गुज़र रहा है। अल्लाह पाक रहम करे, और रोड वाइब्रेट कर रहा है पानी के प्रेशर से, इतनी पानी तेज़ी से आ रहा है इसके अंदर दरिया में। कितनी पानी है, फुल है बिल्कुल, छत के करीब से गुज़र रहा है। यहाँ पर सब गरीब लोग बैठे हुए थे, देखें पूरी तरह से सैलाब ने इनको उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं बहुत गरीब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, पूरी बस्ती थी यहाँ पर। आप देख सकते हैं काफ़ी घर थे, लेकिन सैलाब की वजह से बेचारे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी देख सकते हैं आप कितनी है, ये देखें पूरे घर पानी के अंदर डूब गए। ये देखें ये दरियाए सिंध का बांध देखें आप, पानी कहाँ तक आ चुका है। तकरीबन 40 फीट पानी ऊपर आया होगा अंदाजन। अगर ये रात तक पोजीशन यहाँ आ जाए ना, हाँ तो फिर आप उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है। देखें आप पानी कितनी आ चुका है।